कांपती लड़खड़ाते ज़बां बोल उठी। जरा पूरी ताकत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कांपते लड़खड़ाते ज़बां बोल उठी, है सदाए गुनाहगार आ जाए। कांपते लड़खड़ाती ज़बां बोल उठी, है सदाए गुनाहगार आ जाए। कांपते लड़खड़ाती ज़बां बोल उठी, है सदाए गुनाहगार आ जाए। कांपती लड़खड़ा ती ज़बां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाइए। कांपती लड़खड़ाती ज़बां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाइए। सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए। महफिल कराने वाले सुना गए, आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते गए। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, आखिरी वक्त है कोई चारा नहीं, मरने वाले का कोई सहारा नहीं। आखिरी वक्त है कोई चारा नहीं, मरने वाले का कोई सहारा नहीं। आप ही को नजर ढूंढती है अभी, आप ही को नजर ढूंढती है अभी। आप ही है मददगार आ जाए, आप ही को नजर ढूंढती है अभी। आप ही है मददगार आ जाए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाए। एक बार मेरी ये आदत है कि मैं जहां जाता हूँ सोचता हूँ ये जो सामने लोग हैं ये साथ मेरे साथ मिलके हुजूर की नाते पढ़े। जरा ऊंची आवाज में एक बार पढ़ना है, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार, ऊंची आवाज करो, सबको आवाज देने कोई फायदा नहीं, और ऊंची आवाज, सबको आवाज देने। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, मैं मुसलमान हूँ और परेशान हूँ। या नबी आपका हूँ सना खान हूँ, मैं मुसलमान हूँ और परेशान हूँ। या नबी आपका हूँ सना खान हूँ, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है। आप बन कर तरफदार आ जाए, दुनिया वाले। आप में से कोई नहीं है जो नारा ऊंच पूरी ताकत के साथ लगाए, सब सलामत रहो, माशाल्लाह, क्या बात।
टाइम सबको आवाज देने। माशाल्लाह लोग तैयार हो गए हैं, एक बार हाथ उठा के जरा बेदारी के साथ सबको आवाज देने। माशाल्लाह आप हैं मेरे सर आ जाए, आप हैं मेरे सरकार आ जा। सही है साहब, सही है शहजाद मियां बैठे हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ पूरी कमेटी के हवाले से, ये शेर सुनिएगा आप लोग बताइएगा। सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाए। रोज बातिल के तानो सरोता है दिल, जुल्म का राज है हर तरफ मुस्तकिल, जुल्म का राज है हर तरफ मुस्तकिल, फिर अता करने इस इस्लाम को हौसला, फिर अता करने इस इस्लाम को हौसला। ऐ उमर लेके तलवार आ जाए, फिर अता करने इस इस्लाम को हौसला। ऐ उमर लेके तलवार आ जाए। ऊंची आवाज में पढ़ो सबको करे, आवाजें इतनी ऊंची हों कि यहाँ से सदाएं जब दिल से निकले तो हुजूर के मदीना पहुंचे। जरा ऊंची आवाज में सबको आवाज देने। हजरत बैठे हैं आप, सही है साहब, तवज्जो। सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाए, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए। रोज अव्वल से बस एक ही ख्वाब है, बिस्तरे मर्ग पर इश्क बेताब है, बिस्तरे मर्ग पर इश्क बेताब है। आप आ जाइए तब निकल जाएगा, आप आ जाइए तब निकल जाएगा। कह रहा है ये बीमार आ जाए, आप आ जाइए। माशाल्लाह नारे सबको आवाज देने, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, आ जाइए। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, मेरे आमाल का कोई हिस्सा नहीं, मुझको अपने किए पर भरोसा नहीं। आपके सर पे सेहरा शफात का है, आपके सर पे सेहरा शफात का है। बख्शवाने खताकार आ जाए, आपके सर पे सेहरा शफात का है। बख्शवाने खताकार आ जाए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। एक शेर माँ बाप के वफादार बेटों के लिए, इस कलाम में ये आखिरी शेर पढ़ा हूँ। बहुत सारे शेर हैं लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, तो इसलिए ये पढ़ता हूँ आखिरी शेर, सुन के बताइएगा। सबको आवाज देने आप हैं मेरे सर आ जाए, उनकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा। उनको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन, उनको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन। बाप माँ के वफादार आ जाए, उनको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन, बाप माँ के वफादार आ जाए।
सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सर। ये चार पांच शेर मैंने पढ़े हैं, अब यहाँ से एक मतलब और शुरू करता हूँ। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा पूरी ताकत के साथ कहें एक बार या रसूल अल्लाह, और खुल के कहना होगा या रसूल अल्लाह। सुनिए, पूरे मुल्क ने सुना है, एक कलाम पढ़ता हूँ। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहशिर चलेगा। कुरान का ऐलान है, ताहशिर चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आएगा मिटाने जो, आएगा मिटाने जो, आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा। पूरी ताकत के साथ कहो इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक माला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। मेहंदी को अभी आना है इंसाफ दिलाने, घबराओ नहीं, मेहंदी को अभी आना है इंसाफ दिलाने, ईसा को अभी आना है दज्जाल मिटाने। मेहंदी को अभी आना है इंसाफ दिलाने, ईसा को अभी आना है दज्जाल मिटाने। ऊंचे अभी हो जाएंगे इस्लाम के शाने, फिर से कोई शब्बीर, फिर से कोई शब्बीर, फिर से कोई शब्बीर मदीने से उठेगा, इस्लाम रहेगा। कोई खड़ा और पूरी ताकत के साथ नारा बुलंद करें, इस्लाम रहेगा। हैदर का घराना है जो अनमोल हुआ है, तलवार से बच्चा भी यहाँ खेल रहा है। हैदर का घराना है, वाबस्ता हूँ जहाँ में शगे मशरिकैन से। रफीक भाई, कटती है जिंदगी बड़े आराम चैन से, सब कुछ इसी घराने का सदका है दोस्तों। दाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। हैदर का घराना है जो अनमोल हुआ है, तलवार से बच्चा भी यहाँ खेल रहा है। हाथों में अलम लेके अलमदार खड़ा है, फिर कैसे यजीदों का, फिर कैसे यजीदों का, फिर कैसे यजीदों
का क्या खास जोर चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जालिम की हुकूमत ये सितमगर न रहेंगे, ये दीन फरामोश ये लश्कर न रहेंगे। अल्लामा काफी मुरादाबादी अली रहमान, आपने फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन। अल्लाह करे थोड़ा सा बेदार हो जाए, मैं इतनी खामोशी में वल्लाह कहीं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ें ऊंची करें, आप तो अच्छा लगेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ऊंची आवाज में कहो इस्लाम रहेगा। जो बोल सकते हैं अपनी आवाजें ऊंची करके बोले इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जालिम की हुकूमत ये सितमगर न रहेंगे, ये दीन फरामोशी ये लश्कर न रहेंगे, ये अर्ज समावत के मंजर न रहेंगे। जब कुछ भी ना होगा तो, जब कुछ भी ना होगा, मेरा अल्लाह रहेगा, इस्लाम रहेगा। आवाज में हाथ उठा के इस्लाम, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। क्या भूल गए हैं ये मेरे दीन के दुश्मन, जिंदा नहीं बच पाएंगे आईन के दुश्मन। क्या भूल गए हैं ये मेरे दीन के दुश्मन, जिंदा नहीं बच पाएंगे आईन के दुश्मन। दुनिया से फना होंगे फलस्तीन के दुश्मन। फरमान मोहम्मद ये, फरमान मोहम्मद ये टला है न टलेगा, इस्लाम रहेगा। पूरी ताकत के साथ इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसमें भी अशआर और है, उनको भी छोड़ता हूँ, यहाँ से एक मनकबत का आगाज करता हूँ, सुनिए जरा। महाबली धूम धाम से मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से। तकलीफ जिसको हो दुरूद ओ सलाम से, तकलीफ जिसको हो दुरूद ओ सलाम से, तकलीफ उसको देंगे रजा के कलाम से। आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के, ऊंची आवाज में आला हजरत के, आला हजरत के दीवाने, सुनकर रजा का जिक्र तलबगार हो गए। जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए, जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए। जब बात आ गई है नबी के वकार पर, जब बात आ गई है नबी के वकार पर, ये जान लुटाने को भी तैयार हो गए। आला हजरत के, ऊंची आवाज में आला हजरत के दीवाने, दीवाने, दीवाने। मरकज मेरा बरेली है मेरी वफा के साथ, आज यहाँ हूँ कल कहीं और रहूँ, समातें जैसी भी हों, अलबत्ता खुशी इस बात की होती है कि रात के इस हिस्से में ये लोग जो बैठे हैं, सैयद साहब, सैयद शबाब मियां शाह साहब का खिताब होगा इंशाल्लाह, आप वो लेके जाएंगे जिसके लिए आप बैठे हैं। आप अपने दिल में ये महसूस करेंगे कि आज इश्क रसूल ज़्यादा हो गया है। ये कुछ आखिरी मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, ऊँची आवाज़ में पढ़िए। आला हजरत के
जिन लोगों ने महफिल की है सिर्फ उनसे गुजारिश है आप लोग एक बार हाथ उठा के पढ़ें आला हजरत के। माशाल्लाह रफीक भाई सुनिए। मरकज मेरा बरेली है मेरी वफा के साथ, बीमार चल रहे है मुकम्मल दवा के साथ, गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान ने हशर में, गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान ने हशर में, है कादरी फकीर रहेंगे रजा के साथ आला हजरत के, आला हजरत के। दीवाने 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 चारों तरफ से कुफर के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े, कोई कहे हुजूर को अपनी तरह बशर, जिक्र नबी को ही कहे खैर मोतबर, कोई नबी के इल्म पे ताना जनी करे, कलमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे, तौहीन कह रही थी ये बातिल जमाते, पूरे मुल्क ने सुना है सुनिए। तौहीन कर रही थी ये बातिल जमाते, मगमोम हो रही थी दिलों की समाते, आशिक नबी के रो के ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार, कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार, नामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन, नजदी वहाबियों से मुकम्मल लड़ेगा कौन, अल्लाह का करम हुआ वो जात आ गई, हम सुन्नियों के वास्ते इमदाद आ गई, बेटा नकी कबन के रजा खान आ गए, तस्वीर सुनियत के निगहबान आ गए, बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का, हर लफ्ज जिसका इश्क रसालत माब है, बगदाद वाले पीर का जो इंतखाब है, वो आ गया जो इश्क का मतलब बताएगा, नजदी वहाबियों से अकीदा बचाएगा, अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, मारहर वाले पीर को मंजूर होगा जो, हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे, हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे, फटके हुए दिलों को मदीना बनाएंगे आला हजरत के, आला हजरत के। दीवाने दीवाने दीवाने।